ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के उपरांत टीचर ट्रांसफर मॉड्यूल में जाएं। टीचर ट्रांसफर मॉड्यूल में जाने के उपरांत आपको ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म डिस्प्ले होगा। यहां पर रजिस्टर एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है जिससे आप आवेदन रजिस्टर कर पाएंगे। उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी आपको डिस्प्ले की जाएगी, जिसमें कि आपको आपका पैनल समूह दिया प्रदर्शित होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रदर्शित होगा, आपका मूल पद प्रदर्शित होगा। इस तरीके से कुछ व्यक्तिगत जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर स्थानांतरण नीति के अनुसार विकलांगता, वैवाहिक स्थिति, रोगग्रस्त गंभीर बीमारी से संबंधित जानकारी आपको दर्ज करना है। जैसे कि अगर विकलांगता है तो हाँ, निःशक्ता प्रतिशत 40% से कम है अगर, या फिर निःशक्ता प्रतिशत 40% से अधिक है या नहीं है, जो भी आपका विकलांगता का पैरामीटर है वो आप चयन करेंगे। क्या आवेदक की नियुक्ति निश्चित कोटे के अंतर्गत हुई है, यदि हाँ तो आप उसका चयन करें। गंभीर रोग ग्रस्त, अगर गंभीर रोग ग्रस्त है तो हाँ या नहीं, जो भी पैरामीटर हैं उनको चयन करें। स्वयं परिवार का सदस्य रोग ग्रस्त अगर है तो उसमें आपको चयन करना होगा कि स्वयं उसमें ग्रस्त हैं या पति पत्नी हैं या आश्रित बच्चे हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो आपको इसकी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से कोविड के पैरामीटर्स भी यहां पर पूछे गए हैं कि क्या कोविड 19 जनित जटिल स्थिति के कारण पदस्थापना है, हाँ या नहीं। क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे या राज्य पुरस्कार, तो उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। अगर नहीं मिला है तो नहीं करें। इसी तरीके से वैवाहिक स्थिति, अगर जो भी आपके पैरामीटर आ रहे हैं वैवाहिक स्थिति के, उनको लेकर अपडेट करें। जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट करते हैं चीज, आपका आवेदन, सिर्फ आवेदन यहाँ पर रजिस्टर होगा। इसके बाद आपको चॉइसेस रजिस्टर करना होंगी। तो जैसा आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे कि 20 चॉइसेस भरी जा सकती हैं अधिकतम। ज्यादातर जितना आप चॉइसेस डालते हैं उतना ज्यादा चांसेस आते हैं कि आपको अलॉटमेंट हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस का चयन करें। चॉइस भरने के लिए रजिस्टर चॉइस ऑप्शन पर भी आप जाकर रजिस्टर चॉइसेस कर सकते हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण विकल्प देखने के लिए यहां क्लिक करें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक अलग विंडो में आपको एक फॉर्म डिस्प्ले होगा, जिसमें कि अवेलेबल वैकेंसीज डिस्प्ले होंगी, जिस पैनल के या जिस समूह के आप हैं उसी पैनल के। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूं, जिस यूनिक आईडी से मैं लॉगिन किया हूं वो HMMS है, तो देखिए यहां पर ये HMMS ब्लॉक्ड हो गया है और मुझे HMMS की ही वैकेंसीज दिख रही हैं, जितनी भी अवेलेबल वैकेंसी होंगी जिला भोपाल के अंतर्गत। अब यहां पर मुझे बस ये पोस्ट कोड कॉपी करके चॉइस में डालना है, तो बस इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, व्यू वैकेंसी डिटेल पे क्लिक करूंगा। ये मुझे वैकेंसी की डिटेल्स दिख रही है कि कौन सा स्कूल है, डाइस कोड क्या है, ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और रजिस्टर पर क्लिक करने के उपरांत ये मेरी चॉइस सिर्फ ऐड हुई है। ऐसे ही अन्य चॉइसेस अगर मुझे डालनी है, एक ये स्कूल में एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, ये दो चॉइस जैसे मैंने अभी ली है, अभी ये देखिए रजिस्टर नहीं हुई है, इसको भी मैं रजिस्टर करता हूं। एक अन्य चॉइस का मैं चयन करता हूं, ये तीन चॉइस मैंने अभी रजिस्टर कर ली है, ये देखिए इनको अगर आपको चेंज करना है तो आप रिमूव भी चॉइस कर सकते हैं। यहां पर रिमूव करेंगे और आप उस हिसाब से आपका जो चॉइस का क्रमांक है वो आप सुनिश्चित करें कि पहले नंबर पर पहली चॉइस में कौन सा स्कूल है, ये एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो अभी दिख रहा है चॉइस नंबर वन, मतलब ये स्कूल का सबसे प्राथमिक आपको चॉइस में आपने डाला है कि फर्स्ट नंबर पर मुझे ये स्कूल मिले। यदि किसी कारण से या किसी और की वरीयता ज्यादा बनती है या जो भी उनके अलॉटमेंट पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर अगर आपको यह स्कूल का आवंटन नहीं होता है, उस स्थिति में आपको
द्वितीय के लिए चेक होगा। इसी तरीके से सारे स्कूल्स पर चॉइसेस चेक होगी। इसके उपरांत आपको प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जहां पर आपको एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहां पर आपके चॉइसेस होंगे, इसका आपको प्रिंट लेना है, आपको यहां पर हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने के उपरांत आपको इसको अपलोड करना है, जिसमें आपको इस वेरिफिकेशन कोड की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो ये वेरिफिकेशन कोड भी आपको एंटर करना रहेगा। जब आप लॉक एप्लीकेशन पर जाएंगे, आवेदन को लॉक करना बहुत आवश्यक रूप से अनिवार्य है, इसके बिना आपका आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है और स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करना है, जो कि अभी आपने थर्ड ऑप्शन पे जाके प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन से जाके जो इसका प्रिंट लिया है उस पर हस्ताक्षर करके उसका एक पीडीएफ बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ये अभी एक फाइनल प्रोसेस है। आपका आवेदन यहाँ पर पूर्ण रूप से लॉक हो जाता है। लॉक करने के बाद आप किसी भी तरह का कोई भी एडिट च्वाइसेस में नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से सारी च्वाइसेस देख लें, अपनी च्वाइसेस का एक बार जांच कर लें, प्राथमिकता एक बार जांच कर लें, उसके बाद ही फाइनल में लॉक करें आप। धन्यवाद।